गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास केमिस्ट्री में पढ़ना है वोमेन का पार्टिसिपेशन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या योगदान था वोमेन का फ्रांसीसी क्रांति में, इसके बारे में पढ़ना है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन वोमेन हमेशा चाहती रही है कि उसका भी पार्टिसिपेशन रेवोल्यूशन में हो और उसका भी अपलिफ्टमेंट हो, उस सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो। इसलिए वो हमेशा चाहती रही है कि पार्टिसिपेट करे फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हमें पहले ये देखना है कि फ्रेंच और फ्रांस में वोमेन का कंडीशन क्या था, व्हाट वेयर द कंडीशन ऑफ वोमेन एंड द सिचुएशन एंड देयर लाइवलीहुड इन द फ्रांस। वोमेन का जो कंडीशन था महिलाओं का, थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी, आपको मैंने पहले बता दिया है कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और जो थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट की जो पुअर सेक्शन की महिलाएं थी उनको अपने लाइवलीहुड के लिए काम करना पड़ता था और हार्ड काम करना पड़ता था। और इसके पहले मैंने बताया आपको कि जब किंग, फ्रांस का किंग एक निगोशिएशन कर रहे थे नेबरिंग कंट्रीज से, और उस समय जब डिक्लेरेशन ऑफ वार हुआ तो ऑल द यंग पीपल और द मेन वेयर ऑन द फ्रंट, सभी फ्रंट पे लड़ने चले गए थे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वोमेन टू टेक केयर द हाउस, टू टेक केयर द ओल्डर पीपल एंड टू टेक केयर द चिल्ड्रेन और अर्न मनी। तो ये बहुत बड़ा उनके पास टास्क था काम करने का लाइवलीहुड के लिए। वो एक तरह से कपड़े की धुलाई की काम करते थे, सीम स्ट्रेसेस का काम जो है कपड़े की धुलाई, मार्केट में फ्लावर का स्टोर करना, फूल बेचना, सब्जी बेचना, डोमेस्टिक वर्क करना, स्पेशली नोबल आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के घरों में जाकर के घर का काम वो करती थी। उनको उनका एक्सेस एजुकेशन तक नहीं था, दे कांट टेक द एजुकेशन, वो पढ़ नहीं सकते थे। केवल थर्ड स्टेट में जो वेल्दियर पीपल थे, धनी मनी व्यक्ति के की जो लड़कियां थी, दे कैन स्टडी इन द कॉन्वेंट, वो कॉन्वेंट में पढ़ सकती थी। उनका थर्ड स्टेट की जो वोमेन थी पुअर सेक्शन का, उनका मेन वर्क था फैमिली का देखरेख करना, हेल्थ वाटर काम था उनका। वो उनके फादर जब वो एजुकेशन गेन नहीं करती थी, व्हेनेवर दे गेट मैच्योरिटी उनके फादर विदाउट हर विलिंग, उनके इच्छा के विरुद्ध उनकी शादी कर देते थे। वोमेन के लिए उस समय डाइवोर्स लेने का भी प्रथा नहीं था, वोमेन कैन नॉट टेक डाइवोर्स, ओनली मेन कैन टेक द डाइवोर्स, ये सिस्टम था फ्रांस में वोमेन का और कंडीशन था वोमेन का। तो आप कह सकते हैं महिलाओं का कंडीशन फ्रांस में बहुत मिजरेबल था, दयनीय स्थिति में थी फ्रांस में। तो वोमेन के अपलिफ्टमेंट के, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो आगे आई और उन्होंने पॉलिटिकल क्लब का फाउंडेशन किया। पॉलिटिकल क्लब का फाउंडेशन इसलिए भी किया गया कि उस क्लब में बैठ करके आकर के और वो डिस्कस करती थी अबाउट द प्लाइट ऑफ द वोमेन ऑफ फ्रांस, महिलाओं की स्थिति के बारे में, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में वो डिस्कशन शुरू होता। होल फ्रांस में आप कह सकते हैं 60 क्लब का फाउंडेशन हुआ, 60 वोमेन क्लब का फाउंडेशन हुआ। उसमें दो इंपॉर्टेंट क्लब था जो एक्टिव थे इस उतर सकते हैं होल फ्रांस में, फर्स्ट द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और दूसरा था रिपब्लिकन ऑफ वोमेन। ये दो इंपॉर्टेंट क्लब फ्रांस में सेटअप एक्टिव थे, सेटअप को 60 क्लब किए गए लेकिन एक्टिव ये दोनों क्लब थे एंड दे वेयर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट, दे वेयर डिमांडिंग फॉर द वोमेन्स। उनका क्या डिमांड था, पॉलिटिकल राइट। शुरू साल में मैंने आपको बताया कि वोमेन को रखा गया था पैसिव सिटीजन में, वोमेन को पॉलिटिकल राइट नहीं था, उनको वोटिंग राइट नहीं थी,
वो जॉब होल्ड नहीं कर सकती थी, किसी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकती थी, इलेक्टेड भी नहीं हो सकती थी। तो ये सब राइट उनको प्रोवाइड नहीं था। तो जब पॉलिटिकल क्लब का फाउंडेशन किया तो सबसे पहले उन्होंने डिमांड रखा वोमेन शुड बी गिवन द पॉलिटिकल राइट, उन्हें पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हालांकि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो आई थी उसने कुछ स्टेप्स लिए थे फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वोमेन, वोमेन के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ कदम उठाए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल नहीं था, स्कूल नहीं जा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्कूल का फाउंडेशन किया, स्टेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल का फाउंडेशन किया और वोमेन के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दिया, एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल तक, प्राइमरी क्लासेस तक उसमें एजुकेशन को कंपलसरी किया। पहले जो मैरिज होता था वो रजिस्टर्ड नहीं होता था, लेकिन अब मैरिज को रजिस्टर्ड कर दिया और इसको सिविल लॉ में ला दिया और उसे भी डायवोर्स का पावर मिला, वोमेन भी डायवोर्स दे सकती थी। अब इस कानून के तहत ये हो गया कि फादर या मदर फोर्सली अपने डॉटर की मैरिज नहीं कर सकते थे, ये उनकी मैरिज कर सकते थे बट उनके इच्छा के साथ ही कर सकते, उनकी इच्छा के विरोध नहीं कर सकते थे। ये आपको रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने थोड़े से चेंजेस लाए, कुछ सुधार लाए थे वोमेन के सेक्टर में। लेकिन उसके बाद रेन ऑफ टेरर जो आप 1793 टू 1794 का सेशन था जिसमें मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर रूलर बनकर आया था, उसने हार्ड स्टेप लिए अगेंस्ट द वोमेन, जितने भी वोमेन की कलर फाउंडेड थे सबको उसने क्लोज करवा दिया, सब बंद करवा दिया, बैन लगा दिया वोमेन के जो पॉलिटिकल राइट दिए गए थे इसमें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन द सेंस वोमेन अपने अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी करते थे, स्ट्राइक करते थे, मीटिंग में सपोर्ट होते थे, क्लब्स में बैठते थे, बातें करते थे, डिमांड रखते थे गवर्नमेंट के सामने, इस साइड पर उसने बैन लगा दिया, रोक लगा दिया। उसने कई वोमेन लीडर जो फ्रांस में थे उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अल्टीमेटली लास्ट में 1946 में वोमेन को वोटिंग राइट प्रोवाइड किया गया फ्रांस में। सो दिस वाज़ द वोमेन पार्टिसिपेशन एंड द वोमेन कंडीशन इन द फ्रांस रेवोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें सेकंड टॉपिक आज की डेट में सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मीनिंग आप जानते हैं, गुलामी। पहले इसको समझ लें, यूरोपियन कंट्रीज जिस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप में हुआ या उससे पहले भी कहीं, यूरोपियन कंट्रीज वर्ल्ड वाइड अपने कॉलोनी बनाते थे और बनाया था। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया वाले ऑल्सो द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, भारत भी कॉलोनी था, उस तरह फ्रांस ने भी अपने कई कॉलोनी बना रखे थे, अमेरिका में उसने अपने कॉलोनी बना रखे थे। और कॉलोनी बनाने का मेन वजह था यूरोप में जो कंज्यूमिंग गुड्स थे उसका सप्लाई फुलफिल करना। आप जानते हैं कि यूरोप और मोस्ट ऑफ द यूरोप के जो कंट्रीज हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है वहां पे, उस क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण जो ह्यूमन बींग कंज्यूमिंग गुड्स होते हैं वो प्रोडक्ट वहां नहीं होता। आप कह सकते हैं जो हॉट क्लाइमेट में प्रोडक्शन वाली ग्रेन्स हैं या फिर कंज्यूमिंग गुड्स हैं वो यूरोप में प्रोडक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि वहां क्लाइमेट बहुत कूल क्लाइमेट, बट रिक्वायरमेंट तो होना है, फुलफिल होना है। स्लेवरी ट्रेड ग्रुप का 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और इसको ही बाद में खत्म किया गया। तो उसे देखना है तो तीन इंपॉर्टेंट कैरेबियन में तीन इंपॉर्टेंट कॉलोनी जो फाउंड किया था
फ्रेंच ने फ्रांसीसियों ने वो तीन आपको देखिए मार्टिनिक वानिलॉ एंड सेंट डोमिनिको ये तीन इंपॉर्टेंट कॉलोनी था। यहां से इन्हें कंज्यूमिंग गुड्स टी कॉफी रबर शुगर इस तरह के कंज्यूमिंग गुड्स फ्रांस में सप्लाई होता था। अब इसको जरा देखें कैसे ये सप्लाई होता और स्लेव का ट्रेड होता कैसे। इसको आप मान लीजिए यूरोप है, ये अफ्रीका मान लीजिए इसको आप, और ये अमेरिका मान लीजिए, और अमेरिका में फ्रेंच कॉलोनी था। जैसा कि मैंने इनिशियल सबसे पहले बताया था कि फ्रांस में अमेरिका में सबसे पहले 13 कॉलोनी को इंडिपेंडेंट दिलवाया और वहां डेमोक्रेसी फाउंडेशन फर्स्ट टाइम हुआ। तो अमेरिका में स्लेव ट्रेड इस ट्राइबल स्लेव ट्रेड हो गया। एक्चुअली यूरोप में वो बिजनेसमैन होते थे, वो बिजनेसमैन यूरोप के बिजनेसमैन दो इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट जो आपको बंदरगाह था जिसे कहते हैं पोर्ट कहते हैं उसका नाम था बोर्डेक्स या फिर उसको नेट्स कहा गया। यहां से ये स्लेव एजेंट है उसको या फिर स्लेव ट्रेडर है उसको, ये जहाज के द्वारा अफ्रीका आते थे और अफ्रीका में जो फॉरेस्ट कंट्री था अफ्रीका में वो लोकल चिफ्टेंस जिसको आप मुखिया कह सकते हैं किसी गांव में लोकल चिफ्टेंस है उस स्लेव को परचेज करते फोर्सली, लोकल चिफ्टेन फोर्सली उसे प्रोवाइड करता था, उसको सैकल किया जाता था, सैकल की साफ को बांध दिया जाता था और एक तरह से जहाज उसको पैक कर दिया जाता। पैक कर देने के बाद 3 महीने का वॉयेज समुद्री यात्रा लगभग होता था 3 महीने तक उसे जहाज में रख करके बोट में रख करके और अमेरिका पहुंचाया जाता था जहां पे टी कॉफी रबर का प्लांटेशन होता। आप पहले भी जान लीजिए मैंने पहले बताया आपको है कि यूरोपियन वेयर नॉट एक्सपर्ट प्लांटेड इन द प्लांटेशन और दूसरा ये काम भी करना नहीं चाहते थे। ये कॉलोनी तो बना ली बट इन्हें प्रोडक्ट चाहिए था, गुड्स चाहिए था और गुड्स प्रोडक्ट्स में ये इंगेज नहीं होते थे, इन्हें चाहिए लेबर, तो लेबर इन्हें सप्लाई किया गया स्लेव के फॉर्म में परचेज करके इसको सप्लाई किया जाता था और यहाँ ये अफ्रीका से फिर ये यहाँ पे लेगा यहाँ प्रोडक्ट हुआ गुड्स और उस प्रोडक्ट को फिर यूरोप में लाया। ये जो बंदरगाह मैंने आपको बताया इस बंदरगाह का फ्लोरिस होना और बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन जाना वो स्लेव के कारण ही हुआ था। स्लेव के कारण ही इस बंदरगाह का फेमस हुआ और बहुत सारे ट्रेडमैन स्लेव से जुड़े हुए थे, स्लेवरी से उन्होंने पैसे बहुत कमाए थे स्लेव। नेशनल असेंबली फर्स्ट टाइम नेशनल असेंबली में डिबेट हुआ जिस समय नेशनल असेंबली का फाउंडेशन हुआ जो मैंने बताया आपको किंग को डिपोज करता बनाया गया था, तो उस समय भी डिबेट हुआ नेशनल असेंबली में अबाउट द फ्रेंच सब्जेक्ट। यहां फ्रेंच सब्जेक्ट से मतलब है जहां भी फ्रेंच की कॉलोनी है उस जनता को कहा गया फ्रेंच सब्जेक्ट का और ताकि ये डिबेट हुआ कि दे मस्ट बी प्रोवाइडेड द राइट्स, उन्हें तो राइट्स मिलनी चाहिए और ये भी उन्होंने डिबेट किया कि स्लेवरी को खत्म किया जाए, स्लेव ट्रेड को बंद किया जाए। ये डिबेट डिस्कशन नेशनल असेंबली में हुआ था लेकिन नेशनल असेंबली पावरफुली इसको हटा नहीं पाए, पास नहीं कर पाए। अगर उसमें पास हो जाता तो स्लेवरी उसी समय खत्म हो जाता। रीजन बिहाइंड दिस जो बिजनेसमैन गवर्नमेंट को टैक्स देते थे गवर्नमेंट को हेल्प करते थे उस बिजनेसमैन का अर्निंग इस स्लेवरी ट्रेड में इस ट्रेड स्लेव के ट्रेड से वो पैसे अर्निंग करते थे और उन्होंने गवर्नमेंट नेशनल असेंबली पे एक प्रकार से प्रेशर माउंट किया, प्रेशर बढ़ा दिया कि आप इसको खत्म नहीं करें। तो कर सकते हैं बिजनेसमैन के प्रेशर के कारण ही नेशनल असेंबली ने स्लेवरी को एबोलिश नहीं। जब कॉन्वेंशन बना 1794 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो उसे स्लेव को स्लेवरी को एबॉलिश किया
10 ईयर्स के लिए 10 साल के लिए उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन 10 साल के लिए नहीं खत्म कर दिया गया, लेकिन जस्ट आफ्टर 10 ईयर्स नेपोलियन बोनापार्ट जब डिक्टेटर वहां का बना, लास्टली जो मैं आपको बाद बताऊंगा इसके बाद तो है टॉपिक, तो नेपोलियन बोनापार्ट जब वहां पे डिक्टेटर बना तो उसने भी स्लेवरी को इंप्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। फाइनली लास्ट में 1848 में जाकर के ये स्लेवरी फ्रांस से समाप्त हुआ। तो ये आपका एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ। आप इसको देख लीजिए, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इसी कहा गया स्लेव ट्रेड, क्या गया मीन्स ट्राइबुलर स्लेव ट्रेड कर सकते हैं। ट्राइबुलर इसलिए कर सकते हैं कि तीन कंटिनेंट से ये जुड़ा हुआ है, यूरोप से बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन वो आते थे अफ्रीका, अफ्रीका में आकर वहां के चीफ ट्रेड मुखिया से इसको परचेज करते थे, उनको सेटल करना। इवन आपको बता दें उसको ब्रांड ही किया जाता था, एक वर्ड आया ब्रांड। अब ब्रांड जान लीजिए, ब्रांड का मतलब ये था कि हर बिजनेसमैन के स्लेव इंटरमिंगल नहीं हो पाए, मिक्सअप नहीं हो पाए, तो एक तरह का सिंबल अपने स्लेव के ऊपर प्रोवाइड करते थे। वो सिंबल ऐसा होता था जो परमानेंट उसके बॉडी पर या तो चिपका दिया जाता था या फिर कुछ एक तरह से बॉडी का सिंबल बना दिया जाता था, ताकि वो किसी खास ट्रेड का बैक स्लेव हो और वो इंटरमिंगल नहीं हो पाए एक दूसरे के स्लेव में। फिर यहां आकर के सेटल करने के बाद उसको जहाज में एक तरह से सामान की तरह पैक किया जाता था, टाइटली पैक करके, और इसे भी लगभग 3 महीने का वॉयेज, वॉयेज मतलब समुद्र यात्रा, 3 महीने की यात्रा के बाद उसे अमेरिका और कह सकते इतने सारे आइलैंड पर वो पहुंचते थे वहां पे कॉलोनीज में, और उन्हें वहां प्लांटेशन वर्क कराना पड़ता था। एक तरह से कहे उसको बाउंड्री में फेंस करके, बाउंड्री में बाउंड्रीज लेबर ग्रुप में उसको रखा जाता था और काम करवाया जाता था, प्रोडक्ट करवाए जाते थे फॉर द यूरोप, टॉप टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, मोस्टली ये सभी प्रोडक्ट करवा करके और यूरोप को सप्लाई किया जाता था। ओके, सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक ऑफ लाइन एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। आप इसे नोट कर लें और इससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन आपसे अगर बनता हो तो एक रिस्पेक्टफुल मैनर में आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करें, उसका जवाब आपको किसे दिया जाएगा। हाँ, और जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सेम टाइम आप इसको पॉज कर करके इसके टर्मिनोलॉजी को बुक से थोड़ा सा देखते रहे, ताकि आपको एक जैसे अच्छी तरह समझ में आ सके। ओके, थैंक यू।